कैसे हैं आप सभी? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आज है संडे मॉर्निंग और आज जो है ना मेरा जो दीपावली साफ सफाई का प्रोग्राम है, मैं सोच रही हूँ कि आज पूरा फिनिश कर दूँ। कल क्या हुआ था ना, किचन के बाद हमने आशीष का रूम और इनका ऑफिस रूम दोनों साफ कर दिया था, तो बस अब हॉल और मेरा बेडरूम बाकी है और श्री गुरुराज जी का मंदिर पूरा खाली करके वो भी साफ करना है। तो कोशिश आज ये है कि आज भले जितनी देर हो बट संडे के दिन पूरी की पूरी डीप क्लीनिंग हो जाए, सो दैट कल जो है ना मैं शिव महाराज जी के मंदिर के लिए पीताम्बर सिल सकूँ। और क्योंकि अब मेरे पास टाइम है नहीं, ट्यूसडे से सारे फेस्टिवल स्टार्ट है धनतेरस एंड ऑल, तो सोच रही हूँ कि आज के आज साफ सफाई कर लूँ एंड कल से जो है ना डेकोरेशन का जो काम है वो करूँ, बिकॉज मंदिर भी गुम्याची का डेकोरेट करना है, पर्दे वगैरह चेंज करने, तो ये सारे काम कल से स्टार्ट करूंगी। और थोड़े बहुत पकवान भी तलने हैं, कुछ कुछ मिठाई वगैरह हल्का फुल्का बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ तो नहीं बट थोड़ा बहुत फेस्टिवल है तो करना ही है। तो बस चलिए फिर फिरते हैं आज की साफ सफाई के प्रोग्राम में। है 4:30 और देखिए मेरे घर की हालत, चारों तरफ जो है ना तेरा मत दिखो चीजें ये देखिए सोफा इस तरीके से पड़ा है जिसे हमें साफ करना है, बच्चे कार्टून देख रहे हैं और पूरा घर जो है ना बिखरा पड़ा हुआ है। और अब हम जो है ना पूरा घर धोएंगे एंड उसके बाद सेट करेंगे। तो फाइनली मैंने और मेरी मेड ने मिलके जो है ना हमने पूरा घर अच्छे से धो लिया, पूरे घर की जो है ना हमारी डीप क्लीनिंग हो चुकी। तो बस ये संडे को जो है ना हमने पूरी डीप क्लीनिंग की एंड देन नेक्स्ट डे मंडे मॉर्निंग। मंडे है और 4 बज चुके हैं और अभी मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज मैंने सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी। आज मुझे मेरा जो सिंधी चैनल है ना कुटवानीज किचन सिंधी, उसमें भी रेसिपी डालनी थी, तो वो जो रेसिपी है मैंने आज के आज ही बनाई वीडियो और आज ही अपलोड की, तो उसी में जो है ना काफ़ी टाइम गया। एंड देन आज शिव गुरुराज जी का मंदिर साफ किया, मैंने नहीं किया, मैंने जो पूरा खाली करके दे दिया और जो मेरी मेड है ना उसने पूरा क्लीन किया, बिकॉज मैं लैपटॉप पे एडिटिंग कर रही थी तो वही टेबल पे बैठे बैठे मेरा एडिटिंग का काम चल रहा था और मैं उसे इंस्ट्रक्शन देते जा रही थी और वो जो है ना क्लीन कर रही थी। तो अभी जो है ना पूरा मंदिर का सामान हॉल में पूरा फैला हुआ है और मैं अभी मंदिर सेट नहीं करूँगी क्योंकि इलेक्ट्रिशियन आया हुआ है, उसमें जो है ना कॉर्नर्स मंदिर के जो बने हुए हैं ना कर्व्स, उसमें लाइटिंग लगानी है। लाइटिंग ऑलरेडी थी बट ख़राब हो चुकी, काफ़ी समय से लगी हुई थी लाइटिंग, तो ख़राब हो चुकी है, तो अभी वो लाइटिंग वो लगाएंगे भैया एंड देन उसके बाद मैं जो ना मंदिर का सेटअप करूँगी। और तब तक मैं सोच रही हूँ कि ना शिव महाराज जी की जो ड्रेस है वो काट के और सिल लेती हूँ। तो चलिए फिर करते हैं तैयारी मंदिर को सजाने की। तो यहाँ पे जो ना शिगुरु महाराज जी के मंदिर में लाइटिंग लग रही है और पूरा मंदिर हमने जो ना खाली किया, सारे ड्रॉर्स शेल्फ सब कुछ। और अब मैं यहाँ पे ना ड्रेस सिलूंगी शिगुरु महाराज जी का, जो कि मैंने आपके साथ ना वीडियो में शेयर भी किया था, ये वाली जो ड्रेस मैं लेकर आई थी ना वेलवेट की, डार्क पर्पल कलर की और नेट का इसका पर्दा। तो बस अब इस कपड़े की जो है ना मैं सारे पीताम्बरों से मेजरमेंट लेके इसकी पहले तो ना कटिंग कर लूँगी।
अराउंड 4:30 के आसपास मैंने जो है ना पीताम्बर की कटिंग स्टार्ट की थी, और रात के लगभग 9 बज गए थे ये पूरा पीताम्बर सिलते सिलते। तो बीच में मैंने जो है ना टी ब्रेक लिया, बिकॉज 4:30 के आसपास जो है ना हम चाय पीते हैं हस्बैंड और मैं, तो बस अब थोड़ी सी चाय पियेंगे एंड देन उसके बाद जो है ना स्टिचिंग पे मैं बैठूंगी। और मशीन जो है मेरी ऑलमोस्ट 1 ईयर से मैंने चलाई नहीं है, बिकॉज पहले क्या होता था ना मैं रेगुलर कुछ ना कुछ स्टिच करते रहती थी, बट ब्रह्मावशा के बर्थ के बाद जो है ना मेरा स्टिचिंग का काम बहुत लिमिटेड हो गया है, बिकॉज वो बहुत छोटे हैं और उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा अर्जेंट वाले काम ही कर पाती हूँ स्टिचिंग के। तो एनीवेज दीपावली पे तो शिगुर महाराज जी की ड्रेस सिलना मस्ट है, बिकॉज एवरी दीपावली पे मैं कंपलसरी जो है ना शिगुर महाराज जी के लिए नई ड्रेस सिलती ही हूँ, और शिगुर महाराज जी के जन्मदिन पे भी। तो मशीन जो है ना निकालती हूँ मैं, देखती हूँ मशीन की क्या हालत है, और मशीन को भी जो है ना थोड़ी ऑयलिंग वगैरह करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप रेगुलर मशीन यूज़ कर रहे हैं तब तो ठीक है, बट अगर आप मशीन रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं ना तो फिर थोड़ी सी जो है ना जाम सी हो जाती है मशीन, थोड़ी सी हल्की टाइट हो जाती है, तो उसे भी जो है ना थोड़ा बहुत ऑयलिंग वगैरह करना है। और पीताम्बर की जो कटिंग है ना वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, और उसके बाद जो है ना मैं इसकी स्टिचिंग अब स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने जो है ना हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि मुझे मशीन उठा के दीजिए, बिकॉज़ मुझे बैकेक का थोड़ा सा इशू है ना, तो मैं ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं उठा सकती, तो मशीन निकाल के दी उन्होंने। और अब इस मशीन की होगी पहले तो सफाई करूँ मैं, और उसके बाद इसकी जो है ना ऑयलिंग करूँ। और ये ना मेरी इलेक्ट्रिक का बोर्ड नहीं मोटर, मशीन नॉर्मल है बट मैंने इसमें जो है ना इलेक्ट्रिक ये जो मोटर आती है ना मशीन वो ले रखी है, और इसका जो ऑयलिंग वाला जो आता है ना कंटेनर छोटा सा जिससे ऑयल डालते हैं वो मेरा मिल नहीं रहा था, सारे सामान मिसप्लेस हो गए थे। तो मैं ये जो स्टील का छोटा सा चम्मच होता है ना जिसमें हम बच्चों को दवाई वगैरह देते हैं, हम तो इसे सिंधी में ना सुतियड़ा बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी में से क्या बोला जाता है, तो मैंने क्या किया ना इसी में थोड़ा सा ऑयल डाल के, और क्योंकि थोड़ा नुकीला होता है ना साइड से, तो इसके थ्रू मैंने जो है ना पूरी मशीन में पहले ऑयल डाला। एंड ऑयल डाल के जब हम मशीन को चलाते हैं ना तो मशीन काफ़ी स्मूथ और अच्छी चलती है। वैसे अगर आपके पास टाइम है ना तो आप मशीन में ऑयल डाल के एक आध घंटे धूप में रख दीजिए और उसके बाद मशीन चलाइए। तो यहाँ पे मशीन की ऑयलिंग हो गई, और अब मैं इसमें जो है ना रील भर दूंगी मैचिंग वाला, और ब्रह्मा जो है ना मेरे बाजू में आके डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहा है, और वो बहुत एक्साइटेड हो रहा है मशीन को देख के, उसको बड़ा मन कर रहा है कि मैं भी मशीन चलाऊँ, कैसे काम करती है ये मशीन। और इस ड्रेस को सिलते सिलते ना मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ और मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे, और वो ये कि मैं जब भी मैं कोई ना शिगुर महाराज जी का कोई भी सेवा करती हूँ या कोई भी काम करती हूँ ना, तो शिगुर महाराज जी ना मेरी बड़ी परीक्षा लेते हैं। अब परीक्षा कैसे लेते हैं, उस काम में कुछ ना कुछ ना रुकावट आती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, और उसके बाद शायद ना गुरु महाराज जी चेक करते हैं कि ये कंटिन्यू करेगी कि नहीं ये काम, बट मैं तो जिद्दी हूँ और जुगाड़ू हूँ। तो यहाँ पे ना हुआ क्या, जब मैं ये ड्रेस सिल रही थी ना शिगुर महाराज जी की, तो हो गया एक इंसिडेंट, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आगे, देखिए अब क्या हुआ है। तो यहाँ पे ब्रह्मा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और डांस कर रहा है, और उससे बड़ा मन कर रहा है कि ये मोटर वो खुद चलाए और देखे कि कैसे चलती है ये मोटर। मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था इस मशीन को देख के। तो यहाँ पे ना जैसे ही मैंने शिगुर महाराज जी के मंदिर में बिछाने वाला जो होता है ना कपड़ा, वो जो गद्दी का कवर होता है ना वो सिला, और उसके बाद बस होना क्या था, गड़बड़। ये देखिए ये जो मोटर का वायर है ये ऑरेंज कलर का जो मोटर को कनेक्ट करके रखा है मशीन से, वो टूट गया, पूरे उसके जो है ना दाने दाने अलग हो गए, और मैं परेशान हो गई कि अब मैं करूँ क्या। और मैंने जो है ना हस्बैंड को बुलाया और उनसे कहा कि ये प्रॉब्लम हो गई है,
और उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप जाके यहाँ से रिपेयर करा के, बिकॉज हमारे एरिया में पास में ही मशीन का जो है ना शॉप था, बट इनका जो है ना अर्जेंट कॉल था अभी, और इस कॉल की वजह से ये जा नहीं पा रहे थे। तो बस अब क्या करना क्या था, मैं काम तो छोड़ती नहीं बीच में, क्योंकि मेरे साथ ना हमेशा ऐसा होता है, मैं जब भी कोई भी शिगुरमा जी की सेवा से रिलेटेड कोई भी काम करती हूँ तो इस टाइप की कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। शायद ना शिगुरमा जी मेरी परीक्षा लेते हैं कि अब ये कंटिन्यू करेगी कि गिव अप कर देगी, बट मैं गिव अप तो करती हूँ नहीं, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेती हूँ। तो ये पूरी जो इसकी जो चेन टाइप का जो था ना, ये धागा चैन जो, ये पूरा जो है ना टूट चुका है, और अब जो है ना मैंने यहाँ पे अपना दिमाग लगाया और इस मशीन से इस मोटर को कनेक्ट करने के लिए जुगाड़ लगाया। तो सफाई के दौरान क्या ना, मेरी एक पुरानी कुर्ती मिली थी, तो कुर्ती में क्या होता है ना, हमारे कुछ कुछ कुर्ती में ऐसे डोर होती है ना पीछे, उस डोर को मैंने क्या किया यहाँ पे कनेक्ट किया। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से। तो मेरी उस कुर्ती की जो नेक पे डोर होती है ना, उस डोर को मैंने निकाल के इस पे कनेक्ट कर दिया, और उतने अच्छे से तो मशीन नहीं चल रही थी इसको कनेक्ट करने से, थोड़ी स्लो जा रही थी, बट एनीवेज मेरा काम हो गया और काम रुका नहीं। तो बस अब इसे जो है ना इंडियन मॉम का जुगाड़ हम इंडियन मॉम्स जो होती है ना जुगाड़ करने में एक्सपर्ट होती है, कैसे ना वो मैनेज करके अपना काम कर ही लेती है। तो बस इस डोर को मैंने यहाँ पे ना अच्छे से नॉट बांध दी और मशीन मेरी जो है ना चलने लगी, बट स्पीड एंड परफॉर्मेंस वैसा नहीं आ रहा था, बट हाँ पीताम्बर जो है ना सक्सेसफुली अच्छे से मैंने सिल लिया। और यहाँ पे जो है ना दिया बत्ती का टाइम हो चुका था, तो मैंने जो है ना शिगुरमा जी को यहाँ पे शोकेस के नीचे वाले खाने में विराजमान कराया था जब तक मैं मंदी सेट करूँ। तो वहीं पे मैंने जो है ना साइड बाय साइड आरती भी कर ली, और आरती करने के बाद जो है ना मैं वापस से बैठ गई स्टिचिंग में, बिकॉज मुझे आज की डेट में ना एनी हाउ ये ड्रेस कंप्लीट करनी थी, बिकॉज इसमें अगेन लेस का जो काम है उस पर भी बहुत टाइम लगता है, बिकॉज वो करनी होती है हाथ से सुकून से। तो ये ड्रेस जो है ना रेडी हो गई और मैं अब इसे लगा के चेक कर रही थी कि कहीं से छोटी या बड़ी तो नहीं है, बट परफेक्टली बन के जो है ना तैयार हो चुकी थी। तो बस यहाँ पे पूरी की पूरी ड्रेस मेरी ना रेडी हो चुकी। तो फाइनली शिगुर महाराज जी की ड्रेस तैयार हो चुकी है दीपावली के लिए। तो यहाँ पे टाइम हो चुका है 9:09 बज चुके हैं। फाइनली गुरु महाराज जी की पूरी ड्रेस जो है ना मैंने सिल ली। अब इसमें जो है ना लेस जो है वो मैं कल खरीद के लाऊंगी और लगाऊंगी, क्योंकि लेस जो है ना हाथों से ही लगाते हैं, तुरपाई बोला जाता है, तुरपाई करके, तो वो काम मैं कल ही करूंगी। और पर्दे मैंने नहीं सिले, बिकॉज पर्दे में मशीन आपने देखा कि बीच में खराब हो गई थी, मशीन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो पर्दे जो है ना नेट का कपड़ा है, तो नेट के कपड़े में ना फिनिशिंग वैसी आएगी नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि पर्दों को भी जो है ना काट के और हाथ से तुरपाई करके सिलूंगी, सो दैट प्रॉपर अच्छे से बने।
तो वो काम जो है ना मैं कल दोपहर को करूंगी, फुर्सत से। अभी तो फिलहाल शिवमा जी की ड्रेस सिल गई पूरी, और बस अब जो ये मंदिर का पूरा सामान बिखरा हुआ है ना, ये सब समेटूंगी, और ये फाइनल जो पूरी ड्रेस है ना रेडी होने के बाद पूरे मंदिर को सजा के मैं आपको इसका जो है ना फाइनल लुक दिखाऊंगी कि कैसा बना है। और बस तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अगले व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।